सत्कार मगनानी पुरुष नामी जाए समानी सुरत हुई सत्कार मगनानी पुरुष नामी जाए समानी। पांच शब्द शुरू सतगुरु की शब्द पहला तान 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 प्यारे क्या कहूँ मैं माशबद सत्कार योग श्री हजूर गुरु महाराज जी की प्यारी ते साजी नवाजी साध संगत जी अज असी उन्हां महापुरशां दे जन्मदिन नूं मनाउण जा रहे हां जिन्हां दा जन्म 1864 ईस्वी 15 मई विच होया। आप जी का सुंदर नाम महाराज बग्गा सिंह जी से उन्होंने तरन तारण में आके जिस स्थिति में संगतां नूं तारिया वो बेमिसाल रही। गुरुद्वारा साहब की परिक्रमा में ही विराजते रहे उत्थे ही नाम का प्रवाह चलाते रहे। अमृत भी पहला क्योंकि उन्होंने दिनों अमृत का बड़ा जोर सी प्रचलित सी इस करके अमृत पान भी कराते सन ते नाल ही जुगती सुरत शब्द योग भी दसते सन। सो जिहड़ा शब्द असी लै रहे हैं अज वो उन्हां प्रति क्योंकि इन्हू जरा संभाल लो वो शब्द उस शब्द स्वरूपी सतगुर की महिमा कर रहे हैं जिदे प्रति स्वामी जी महाराज कहते तन 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 चार बार तन तन कहते ने। वो सतगुर वाकई तन है क्योंकि मृत मंडल तो सुरत नु चुक के आकाश मार्ग दे विच दी होंदा होया सचखंड दे विच उदी जीव दी उडारी लगा दिंदा है। असी मृत मंडल ते आके इन्ने काम कार करदे हां कि सानू इत्थे तक याद भी नहीं होंदा कि असी सचखंड दे वासी किसे समय से भावे करोड़ां साल विच बीत गए मगर देर होण करके सुरत दे उत्ते इन्ने परदे पै गए कि सानू समझ बना रही कि असी आत्मा हाँ असी इन्ना ही समझते कि असी देह हाँ चेतन स्वरूप साडा बोली गया। सानू स्वामी जी महाराज उस महापुरुष बारे कथन करते ने क्यों तन 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 क्या मैं मां कहूं मैं शब्द की क्योंकि शब्द स्वरूप है वो देह नहीं। जे देह होंगी तो फिर वो जदों जानदा सी शब्द दी एग्जिस्टेंस खत्म हो जानी सी क्योंकि वो देह दे विच होंदे होए अपनी सुरत नूं शब्द दे विच लीन करदा है। इस करके गुरु महाराज दे कथन दे अनुसार जो बाणी गुरु ग्रंथ साहिब दी अंकित होई है उत्थे लिखिया है गुरु गोपाल गुरु गोबिंदा गुरु दयाल सदा बख्शंदा। गुरु दी हसीयत नूं
परमात्मा दे बराबर गिणिया गया, वो ऐसा मालिक तो माफ नहीं कर सकता, मगर गुरु ही माफ कर सकता है, सौ गुना बख्श दिंदा है इनू। इस करके उन्होंने महापुरुषों प्रति असि शब्द लिया, जिदे विच स्वामी जी महाराज उस महापुरुष प्रति चार बार तन 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 कह के पुकार रहे ने। जरा सुरत नूं इकत्तर रखना, क्योंकि असी हाजरी भरन जा रहे हैं। गुरु महाराज श्री हजूर बाबा बग्गा सिंह जी दी, जिन्हां दा अज पवित्र जन्म दिहाड़ा मना रहे हैं असी, धन भाग संगतां ने जिन्हां ने इस नाशवान संसार दे कम्मां नूं छड के अपना समा सतगुरु दे दरबार विच अपनी हाजरी लाउण लई उत्साहित होकर आईयां ने। कुछ संगतां कई बार पता नहीं किसी गलत फहमी की वजह ना सत्संग दे विच नहीं भी आउंदे रहे। अगर किसी किस्म की सत्संग दे विच, क्योंकि जीव है महिमा सतगुरु की करता है, सतगुरु की महिमा जबान ना हो नहीं सकती, अगर किसी वजह करके कोई व्याख्याकार बंदे तो जीव तो कोई गलती भी हो जाए, उसके लिए असी खिमा दे जा चुके हूं, क्योंकि निमन सुअखर खिमन गुण जीबा मनिए मंत, ये त्रै भैने वेस कर तां बस आवी कंत। निम जाना एक पहला गुण है उस बिल्डिंग नूं उसारन वास्ते, जिस बिल्डिंग दे अंदर जाके असी वासा करना। निम जाना निमन सुअखर खिमन गुण, खिमा कर देना, अगर गलती हुई खिमा भी करनी चाहिए। इतना कठोर हिरदा नहीं होना चाहिए कि खिमा लई गुंजायश ही नहीं। गुरु महाराज ने तो क्या, गुरु गोपाल गुरु गोबिंदा गुरु दयाल सदा बख्शिंदा, वो तो बख्शिंदा है, वो दयाल है, साढ़े मस्तक ने उन्हें हाथ रखे। अगर असी एक लू पर भी उदी तालीम दे विचो ग्रहण नहीं किया, तो असी फिर गुरमुख कहाण दे हकदार रहिंदे नहीं। तां ते गुरु महाराज दे जन्मदिन दी सब सज्जना नूं बहुत बहुत वधाई, जिन्हां नूं नाम दी बख्शिश होई होई है, वो भी समझदे ने सारी गल नूं, हाजरी उन्हां दी भी सचखंड, जिन्हां नूं मालकां ने नाम दी बख्शिश कीती उन्हां दी हाजरी भी सचखंड। मन नूं एकागर चित करके जरा बैठना, क्योंकि मन नीचे नूं भज भज जांदा, दसां द्वारां ते मुड़ मुड़ आउंदा है, असी इन्हू खिच के उपर लिया मस्तक दे विच, और इत्थे सानू कर दे पूरी सुतन मार्ग नू अपना के सचखंड उस देश दे बच्चे ने जो अपना परमानेंट देश बनाई बैठे, साडा देश नहीं है। महाराज ने उस जन्म जी विच असी संकल्प लैंदे आ के सानू इक गुरु महाराज लगाए आंदा है, उल्टी आ जांदी है भाव, इतनी उसर नहीं सकता जब तक होमे परे नहीं होंगे। असी इटा पत्थर की बिल्डिंग तो बना सकते, मगर रूहानियत की मंजिल तैयार नहीं हो सकती जिदे असी रहना है, बसना है, सतगुरु नूं मिलना है। कई बार दास ने तो इतों तक भी बेनती की, डेरिया डूरिया के चक्कर होंगे, कई बार चार बंदियां कोले पैसे होए, उन्होंने कोई बिल्डिंग उसारती, उत्थे आके गरीब जनता भी मालक का नाम हरी कथा सुनती है और अपने जीव का उद्धार करते हैं, मगर असली डेरा जो इन्ना ही है। इस डेरा जिदे प्रति गुरु महाराज का कथन है कि ह्यूमन बॉडी इज द टेंपल ऑफ लिविंग गॉड, जिंदा खुदा का घर तो इतना ही है। इटा पत्थर के जो पैसे चार हो तो बन जाएंगे, नहीं तो रड़ा मदान तो है ही, तो असी हर समय रड़ा मदान ही कह दें, क्योंकि गुरु महाराज के सानू तो वरदान ही ये है कि भुख नंग की कुछ परवाह नहीं, हुक्म होए तो देगे नू चटिए जी। असी लखां करोड़ां रुपये की आस नहीं कर सकते, ना रखनी है, क्योंकि जे वो सुख शांति होंगी, गुरु महाराज सर्व समर्थ सन, सब कुछ दे सकते सन, मगर चाहते सी कि असी इनू इत्थे रखना नहीं, इनू सचखंड लैके जाना है।
इस करके वरदान ही ऐसे जी भी इतने मन ही ना लगे ते फिर भी दास वालों अगर कोई गलती हुई है किसी के हिरदे की चोट आई है तो मैं हाथ जोड़ के सिनमर बेनती कर दें कि मैं खिमा कर दिता जाए। साढ़े मन च अगर ईरखा है तो होमे परे नहीं होएगी, जब होमे परे नहीं होएगी तो असी उस परमार्थ न पा नहीं सकते, क्योंकि यो एक रेते की कंध विचकार है जी सू मालिक मिलन दिंदी नहीं। जे इनू तोड़ देंगे तो दरवाजा परे हट गया, सानू मालिक भी मिल जाएगा। सो जो स्वामी जी महाराज का कथन अगे आएगा उस प्रति सब ने अपने मन नू एकाग्र और एक्टिव करके उस गल नू ग्रहण करना जिदा मकसद स्वामी जी महाराज सानू समझा रहे ने जी। जो पर के शब्द से तो जाने में शब्द की भाई उस गुरु नू जेड़ा शब्द स्वरूप हो गया कहते जोड़ जेड़े उदे ना परच गए वो उसकी महिमा नू जानते ने, वो जानते ने कि पूरा सतगुरु की है। जेड़े अजे शब्द ना परचे नहीं लगे नहीं कहता भी असी नाम ले लिया, नाम बड़ी उच्ची दौलत है, शब्द आई लगता करना नाम है, फिर सतगुरु का पता लगेगा भी ये है कौन, आ बंदा ही नहीं, इहदे अंदर जेड़ा वो महापुरश वसदा शब्द के नाल अपनी सुरत नू लीन करदा उस प्रति स्वामी जी महाराज सानू फरमाउंदे ने। असी उन्हां महापुरशां दी जीवनी जे पढ़दे हां तो अजीब समय अजीब सरकमस्टांस दी लंघ के उन्हां ने एक करामात करके विखाई। लोग कहंदे करामात को करामात हर समय हुंदी रहिंदी, सहजे कोई वचन निकल जांदा है वो पार जांदा है, मगर जदों असी होमे दी दीवार नू तोड़ के उरे रहन तोड़ नहीं सकदे उरे रहने हैं उस वक्त सानू वह भी अपील नहीं करती नहीं यार एवं गल है तू छड़ परे आपां इस पासे नू छड़ना नहीं इधरे रहना। सो सज्जनों सतगुरां दा उपदेश तो यह है कि कट्ठे होकर गुरु गायन करे करो। गुरु महाराज जी भी कहंदे ने जहां मिले गुर सिखड़ा निम निम लागां पाए जियो, उदों वचन दी एप्लीकेबिलिटी कित्थे रह जांदी है उन्हां दे हिरदे अंदर कि किस प्रथाए ओ कहा गया। जब ईरखा आ गई तो हिरदा कठोर होना शुरू हो जाता है, जब कठोरता आ गई तो रूहानी मंजल ते चढ़ना एक जिहड़ा बड़ा सूक्ष्म मजमून है वो तो सुपने च भी नहीं आ सकता। निम्रता दे जरिए कहंदे उहदे चरणां नू छो लो, कितना नीवा होके गुरु महाराज ने सानू समझाया कि ईरखा की कंध अगर तोड़नी है तो सारे साडे वीर ने भरा ने ये गुरु दी चताईयां हुई रूह ने इतों के असी निवासी नहीं। सचखंड जाना तो कठिन ही बहुत है, बहुत मुश्किल है, अपनी सुरत नू इस डेरे के अंदर लगा के असी इतने मस्तक चाहना और फिर शब्द नू फड़ के जो परचे गुर शब्द से गुरु का शब्द केड़ा है मनुष्य वचन गाय कितना अपनी संसार कई बार अंग्रेजी में भूल के निकल जाने मुंह चो पर मैं पंजाबी जरूर कर दिना नाल मैनू भी खिमा करना क्योंकि कई बार मेरी डिस्कवालीफिकेशन बन जाती दैट यू आर स्पीकिंग इन इंग्लिश मैनू खिमा करना केड़े रूल ने तीन जिदे ते असी चलते हैं सारे। पहला गोल्डन रूल है, गोल्डन रूल की है कि अपना नुकसान करना अगले नू फायदा पहुंचाना, ये संतां कोले गोल्डन रूल है। उस तो नेक्स्ट जो है वो सिल्वर रूल है, सिल्वर रूल की है ना आप नुकसान उठाना ना किसी नु नुकसान होन देना। आयरन रूल की है कि अगले का नष्ट कर देना आप सब कुछ बेनीफिट लेना,
असि आयरन रूल नु छड के कम से कम सिल्वर रूल ते धरिए। लिव एंड लेट लिव, जियो और जीने दो तो रहन दो। असी इन्नी थां चली गई साडी बुद्धि, ये समझ नहीं पा रही कि असी किस रूल दे मुताबक इस संसार दे विच विचर रहे। साडा बनू की जदों हिसाब किताब होएगा तो उस वक्त असी सब तो फाडी होवांगे। गुरु की मर्जी है, उन्हें नाम दे दिता, लै जे उहदी कृपा, वरना अधिकार तो कोई नहीं, क्योंकि वचन तो मनिया ही नहीं गया। मन्ने हुक्म सोई प्रवान, जिहड़ा मन्ने मालक गुरुदत्त होए नहीं। तां ते सज्जनों मेरी तुच्छ जी बुद्धि है, मैं उन्हें एक्सप्लेन नहीं कर सकता, वो बड़ी गंभीर अवस्था है। गंभीर अवस्था का मालक सतगुरु है। ये किनका पर जबान एडी वड्डी हस्ती दी महिमा की गा के दस सकती है? आ नहीं दस सकती। आ भी जो कुछ कुआ रहा वो आप ही कुआ रहा अपने प्रति। जीव की हस्ती नहीं कि सतगुरु की उपमा दे बारे उस मंजिल से आके खड़ा भी हो सके, वो गिर जाएगा। क्योंकि असं मन माया के देश च मन सब के अंदर ही प्रवेल कर रहे। वैसे तो यह है कि एक बंदा उस गल नू समझदा नहीं, वो तो दिमाग च नहीं। जिथे असी निम जाना है उत्थे खिवा भी करनी। अगर वो खिवा दूजा नहीं कर रहा तो घाटे जो भी पिया होया उस वचन तो वो भी डिगया होया। मैं ये नहीं कहता कि एको बंदा ही डिगया होया, दूआ भी डिगया होया, क्योंकि खिवा नहीं कर रहा। अगर ज्यादती हो गई तो दूजी लेवल से जोड़ा वो गुण है खिवा करने वाला वो नहीं आ रहा। इस करके दोनों ही मर गए, गए दोनों ही डुबदा में दोनों गए। ना माया मिली ना राम, ना इधर ला काम ही होया। गुरु महाराज फरमाया करते सन, डुबदा में दोनों गए, ना माया मिली ना राम, ना तो राम ने ही कनेक्शन जोड़िया ते ना इधर ले कुछ बनया, दो ही पासे रुड़ गए। ना अनसंच ते ना कागां च, ओ पंजाबी मिसाल है धोपी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का। धोबी सवेरे कपड़े चुके घाट से चला जाता, जब उन घरों टुकड़े किधर मंग मुंग के खा के जाता है उदन तो आ जाए। जेडे कीमती वचन साढ़े वास्ते उन्होंने दिते ने, असी उन्होंने अपनी जिंदगी च अपना के अगर तुरीए। स्वास का की पता, स्वास तो तारा नित ही जारी, एक दिन खाली चाम। स्वास का कोई पता नहीं। गुरु महाराज ने कथन किया, हम आदमी हैं एक दमी, सभागत स्वास जड़ा है दस उंगल करके भी लिखे, सभागत स्वास जड़ा साड़ा है असी बाहर कट सकते हैं, उन्हों अंदर नहीं ले जा सकते। ये तो उसकी मेहर है, रहमत है कि स्वास मोड़ के फिर अंदर पा दें। असी आने तू अंदर आया क्यों धक्के दिन बाहर कटना। इस करके क्या हम आदमी है एक दमी, दो दमी तो है ही नहीं। वापस ये अपनी मर्जी ने नहीं लिया सकता, वापस वो हुक्म ने अंदर श्वास आ रहा। वो भी गिनती दे इन लिख के दते ने कि तेन इन्ने ही मिले भाई, वो ने इन्ने साल इन्ने महीने बनते हैं, तेरी मर्जी है। कोई शुभ काम कर ला, मालिक का नाम जप ला, तेरी मर्जी लुटा दे जिमें तेरा जी करे। कुछ पावर इनू दिती है, डेलीगेट की है कि तू स्वतंत्र है कुछ किरेमान कर्म करन च, पर अलबत तो सानू भुगतनी भुगतनी। किरेमाना च कुछ पावर है कि कोई चंगा माड़ा सोच सकती बुद्धि, कि तू चंगे भी कर सकदा, तेरी मर्जी है। मर्जी पिक्चर देख ला, मर्जी कितने होर चला जा, जुआ करिया, दारू पीला, शराब खाने चला जा, जिते मर्जी चला जा। ये सानू अधिकार ने, जे सतगुरु की चंगी संगत विच जावांगे तो सानू बचाएगा। महापुरशा का कथन जितना भी है सानू साडा बेड़ा पार करन लई आए हुए ने, उन्हां दा अपना कोई इंटरस्ट नहीं। जिहड़ा पहुंचिया आया उन्हूं की जद मर्जी सुरत इत्थे लगा ले, वो जा सकदा। वो इन्ना गर्मी सर्दी चलदा है कि ये पड़े हैं भाई सानू कोई इत्थों तक रोटी पानी नहीं कहन दे करदियां नूं,
कि सानू उठायो ना जी रोटी नहीं खानी पर साड़ी नींद ना खराब करे तो साड़ा की बनेगा। ये चेतावनी है गुरु महाराज तो इतों तक कहते। साढ़े शर्मा जी भी कई बार गाँवे होंगे भी तेरी किमें अख लग गई लगी वाले तो कदे नहीं सौंदे। एक दिन असी जगा के भी इन्हों लियाए से घरों कि वह गल भुल गई तू आ गल तो सुते आप ही पे की गल पई पर खैर जी भुलन हार है महात्मा चेता करवा कि ना बई आप जागना है जाग के सतगुरु दे नाल जुड़ना आपकी सुरत में चक के जेडे शीश महल उन्होंने साडे वास्ते बनाए ने असी जाके उहदे च विश्राम करना। साडा पड़ा ये नहीं साडा पड़ा वो है असी तो राह ही सौ गए राह छड़ के जो सफर शुरू भी नहीं होया सौ भी गए तो साडा सफर कटेगा कैसे। तो स्वामी जी महाराज ने बड़ा यतन करके साडी सुरत में प्रेरणा दिती। इतना बड़ा ग्रंथ रचता सार वचन गुरु महाराज ने किन्निया किस्तों के अंदर शब्द गुरु ग्रंथ विच लिखे 1430 पन्ने ने एक ओंकार की व्याख्या ही करते 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 थक गए 1430 पन्ने हो गए अखीर समाप्ति करती। सो साडे वास्ते ही सब ग्रंथ ने मगर असी ना ग्रंथ नू मानदे आ ते ना किसे जो जिंदा गुरु का सवाल पैदा हो जाता ते बंदा बंदे नू पूजे कैसे तेरे च ते बई मेरे च की अंतर है। तू कदों चौधरी बन गया भी मैं तेनू पूजा मगर की रीजन। रीजन है कि जिहड़ी डायमेंशन अंदर ये अंदर डायमेंशन ने 72 कोठड़ियां 999 नाड़ी है 5 तत्व लगे हुए ने मन है आत्मा है 5 कामादिक ने 25 प्रकृतियां ने जेडे 5 इहदियां 9 दरवाजे ने उन्हां ते 25 प्रकृतियां काम कर दियां। एक एक तत्व का 5-5 क्वालिटीज ने गुण ने। आलस है किसी का निंद्रा है किसी का सैक्स वाले ध्यान ले जाना किसी ने गर्मी मननी किसी ने क्रोध चढ़ना ये सब प्रकृतियां ने। इन्हां सब तो क्रॉस करके सतगुरु की मत लैके गुरु की मत तू ले आने भगत बिना डूबे बहुत सियाने बड़े बड़े सियाने बंदे जिन्हों पुछ के सारी मार्केट गल कर दी है कि चलो सेठ जी को चलते ये न्या उतों करा के लिया इतने आके वह भी फेल है। की लोड़ सी कहन दी कि गुर की मत तू ले आने भगत बिना डूबे बहुत सियाने। असी चौधरी इत्थे ही हो सकते गुरु घर च नहीं हो सकते क्योंकि असी उन्होंने वचन धारण नहीं करते। जब वचन धारण कर लिया तो फिर असी साडा मन मर जाएगा क्योंकि मन नू रस्सा पैंदा उत्थों मन भज्जा हुंदा। छुड़ा के जे आवारा पशु हुंदा उन्हूं घेर घूर के जे फड़दे नहीं फिर संगल तरह जांदा। साडे मन की यह दशा है अगर ये काबू आ सकता है तो सिर्फ सत्संगत च आ सकता है गुरु की शरण च आ सकता होर कोई रस्ता नहीं। इस करके शब्द की महिमा शब्द गुरु की महिमा गाँवे हुए स्वामी जी महाराज कहते तू तन 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 है। वो बंदे भी तन है जेड़े तेरे ना परचे हुए ने जेड़े शब्द ना ला के अपनी सुरत नूं इत्थे ले जांदे ने जेड़े संतां दी शरण च आउंदे ने। जिस तरह अज गुरु महाराज दा दिन है हजारां ही जीवां नूं नामदान की कृपा करके पाप सागर तो पार कर दिता और हुण भी जेड़े उन्हां दा वचन मन के अज तो ही ये संकल्प लैणगे कि असी सतगुरु की दरगाह दे विच हाजर होना है। साड़ी इतने ईरखा द्वेष का दी गुरु महाराज का कथन है बड़े बड़े जो दीस है लोग तिन को व्यापे चिंता रोग। जे चिंता ना होनी होंगी तो ये लिखन की लौड़ की सी जिन्हें बड़े बड़े लोग चिंता बड़े बड़े खा रही है क्योंकि की गल उसकी वजह की पैसे चार कट्ठे हो गए तो गुरु महाराज कहते जिस ग्रह बहुत ही तिस ग्रह चिंता जिस ग्रह थोड़ी सो फिरे भरमता दोहू पाक ते जो नर मुक्ते ऐसा सज्जन लौड़िए। इहदी तां गुजरान ही होनी चाहिए रोटियां तो मिल गई भजन सिमरन बना रहे तो सतगुर की शरण च प्यार वे उहदा ध्यान करके रात कट ली तो सवेरे फिर जिहो जी उहदी रजा होएगी सानू दे देगा उ ही सुखी है। जे कहो भी पैसे नाल सुखी तजूरी का
ਧਿਆਨ ਰਹਿੰਦਾ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੇ ਪਾਲ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਦਰੇ ਜੁੰਦਰੇ ਲਾ ਕੇ ਪਿਓ ਬਈ ਉੱਠਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੇਖ ਵੀ ਆਇਆ ਕਰੋ ਕਿਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਹੁਣੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੂਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਪਾਤੀ, ਕੂਲਰ ਦੀ ਹਵਾ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਹਵਾ ਜਾਣ ਜਾਣ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗ੍ਰਿਲ ਪੱਟ ਕੇ ਅੰਦਰ ਆਏ, ਅੰਦਰ ਕਿਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਟੋਸਟ ਆਸਟ ਬਣਾ ਕੇ ਛੱਕ ਛਕਾ ਕੇ ਗੰਢੀਆਂ ਬੰਨ ਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਈ। ਆ ਸਾਨੂੰ ਸੁਖਦਾਈ ਜਿਹੜੇ ਕੂਲਰ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮੌਤ ਹੀ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਨੇ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈ ਡਸਟ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਦਵਾਈ ਮੋਇਸਚਰ ਬਣ ਕੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਸੁੰਨ ਹੋ ਗਏ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ ਮਾਇਆ ਦੇ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਨੰਗ ਮਲੰਗ ਕੋਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪੱਖਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਰਹਿਣ ਦੇ, ਤੂੰ ਪੱਖੀ ਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡ, ਘੜੀ ਪਸੀਨਾ ਆ ਜੂ, ਸਰੀਰ ਖੁੱਲ ਜੂਗਾ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਧਨ ਕੁਝ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਪੈਸੇ ਚਾਰ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦੇ ਰਹੇ? ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਫਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਲੈ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਤੇ ਨੇ, ਮੋੜਨੇ ਨਹੀਂ, ਚਿੰਤਾ ਹੀ ਵੱਡ ਖਾਂਦੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਕਿਹਦਾ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਈ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲਿਆਂਦਾ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਪੈਸੇ ਚੱਕ ਭਰਾਓ। ਮਗਰ ਇਹਨੂੰ ਧੁਪਤ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਮੁੰਡੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰੂੰ, ਚਿੰਤਾ ਸਾਂਭਣ ਦੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਪਰੇ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਇਸ ਟਾਈਪ ਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਰਾਖੀ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਛਿੰਨ ਛਿੰਨ ਰੱਖਿਆ ਹੋ ਰਹੀ, ਕਿਆ ਮੈਂ ਮਾਂ ਕਹੂੰ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਕੀ। ਸ਼ਬਦ ਸਾਡੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦਾ, ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਸ਼ਬਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੋ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਰਾਖੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਾਡਾ ਸਭ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦਾ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਕਾਟਦਾ, ਸਾਡੇ ਸਾਹ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਬਾਲ ਕਪਾਲਾਂ ਦਾ ਸਭ ਧਿਆਨ ਉਹ ਰੱਖ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਆਹਦਾ ਮੈਂ ਚੌਂਕੀਦਾਰ ਰੱਖ ਲਈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੌਕੀਦਾਰ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਲੱਗਿਆ ਪਿਆ। ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਛਿੰਨ ਛਿੰਨ ਰੱਖਿਆ ਹੋ ਰਹੀ, ਕਿਆ ਮੈਂ ਮਾਂ ਕਹੂੰ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਕੀ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਖੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਬਦ 'ਚ ਵੇਦ ਹੋ ਗਏ ਹੋ। ਸਮੁੰਦਰ ਔਰ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਵਕਤ ਲਹਿਰ ਬਣ ਕੇ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚੋਂ ਉੱਠੇ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਕਾਰਿਆ ਕੀਤਾ ਐਕਟਰ ਵਾਂਗੂ, ਆਪਣੀ ਐਕਟਿੰਗ ਜਦ ਖਤਮ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਤਾ ਲਗਾ ਗਏ, ਆਪਣੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਕੇ ਰੱਖ ਗਏ ਕਿ ਬਈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਰਾਹੋਂ ਨੰਗੇ ਸਿਰਾ ਮਗਰ ਤੁਰਿਆ ਹੋਗੇ ਤਾਂ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਰਾਰ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕੋਗੇ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਜਦ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਫਿਰ ਭਰਮ ਚ ਤੁਰੇ ਫਿਰੇ, ਬਿਨ ਸ਼ਬਦ ਰਹੇ ਪਰਮਾਤੀਆਂ। ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਜਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਲਖਤਾ ਆਈ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੋ ਕੁਛ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਚੌਥੇ ਕੁ ਦਿਨ ਬਾਬਾ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਬੰਦੇ, ਬੜੀ ਖਾਤਰ ਉੱਥੇ ਦੇਗ ਬਣਾ ਲੂ, ਭੋੜਾ ਭੋੜਾ ਦੇਊਗਾ ਅਤੇ ਤੋਰ ਤੂੰ ਡੰਡੀ ਪਾ ਦੂ। ਇਹ ਤਾਂ ਖਰੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਹੀ ਕੁਛ ਹੈ, ਦੇਅਰ ਇਜ਼ ਐਕਸਪਲੋਇਟੇਸ਼ਨ ਔਫ ਸਪਿਰਚੁਅਲ ਸਬਜੈਕਟ, ਉਹਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿੰਬੋ ਬਣਾ ਲਿਆ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਨੇ, ਤੁਰ ਪਏ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਚਾਰ ਅੱਖਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹ ਲਏ ਅਤੇ ਚੌਧਰੀ ਬਣ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ, ਇਹਦੂ ਵੱਧ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਾਓ, ਪੜ ਪੰਡਿਤ ਅਵਰਾ ਸਮਝਾਏ ਕਰ ਜਲ ਤੇ ਕੀ ਸੂਝ ਨਾ ਪਾਇਆ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਲੋਕ ਲਿਖੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ,
और उनको उपदेश ते मुख में पढ़ रेत रास बगानी राख ते का खाया कर का खेत। बगाने की तो फिक्र लगी भी है तू यार एवं नुकसान ना करी तू रब रब करा कर उन्हें कुछ तू कि कर ल तू कद उठिया रात मैनू ही आना ना तेरा आपका की हाल तो ये दशा है जी हुण फरमाउंदे ने कि जिन्हां ने शब्द गुरु नू पाया और फिर उस शब्द नाल प्रीत कीती उहदा बेड़ा पार हो गया उहदी महिमा कहीं नहीं जा सकदी क्योंकि वह शरीर चों बदे हो गया जीवन मुक्त हो गया सुरत दी इत्थे लगन लग गई उहदे काम भी अपने आप होने शुरू हो गए क्योंकि घट घट दे अंदर शब्द विचर रहा है तो साडे कल्यां दे अंदर नहीं चोरां दे अंदर भी है ठगां दे अंदर भी है साधां दे अंदर भी है सब दे अंदर ही असीं गृहस्थ मार्ग च रहिंदे होए अपने गुरु नूं ध्यान ला के रखिए साडे दफ्तरां च कम भी कर जांदा दास अपना परसनल एक्सपीरियंस दसदा जब गुरु महाराज तो नाम की बख्शिश होई दफ्तर जाना कोई फाइल का कागज पुटअप करना है आ गया डाक चो मार खो के भी उहदे कोले आ कागज कागज वेखद ध्यान आ जाना फलानी फाइल कट खा जरा कट के देखना आई फट के जद की कागज उथे होना ये नाम की बरकत है बरका फरोल के एक भी नहीं अगे पिछे करना पैना कितनी मदद है साढ़े संसारी काम गुरु ने साढ़े ठेके तो नहीं लै रखे मगर लै रखे है कि खराओ कि मेरे वाल ध्यान लगे ये काम मैं कर दूंगा। पंचम पातशाह ने फरमाया जहां जहां हुए किरत सेवक की तहां तहां उठतावे सेवक को निकती हुए दिखावे ये दा काम उत्पन्न होंदा दे मन दे अंदर वो तू इत्थे रह ते तैथों पहले मैं ही उठ जाके करके आना जदों ये जांदा है उठ जाके वेखदा फैसला मेरे हक च होया पर मैं तो यार आया भी नहीं कमाल है फिर नूं पता लगता भी मेरा सतगुरु वाकई मेरे नाल मेरे काम मैं तू पहले ही जाके करे आंदा भी उत्थे पेशी मैं ही भुगतू तू ना फिक्र कर तू लग्या रहा आपके काम कितना दयाल है वो कितना विशाल है वो कितना दयालु है वो जी वो जी वड़े पागां वाले ने जेड़े उठ के सवेरे आपके सतगुरु का वचन मंग के मन के दातन कुरला करके उदे नाल अपनी लिब नूं लाउंदे जो शब्द कमान है गुर शब्द की गुरु ने जो शब्द बख्शिश किया उदी कमाई की वो वड़े पागां वाले है सारे संसार तो बड़े सुंदर ने सोहने ने देखने नूं उन्हां दे चेहरे ते रोज नवां नूर आउंदा है देख सकते हो जेड़े मालक दे नाम ना जुड़दे ने मस्तक दे मल मस्तक चल के मणि गुरु महाराज ने लिखे उन्हां दे मस्तक च मणि चलकारे मार दी क्योंकि नाम अंदर प्रगट हो गया सुरत लगन लग गई अंदर ते मत्थे ते आ गया उहदा रोम रोम प्रकाशवान हो गया जेड़े अंदर जांदे ने जिन्हां दी सुरत जांदे ने जांदी है उन्हां नूं पता है कि नाम दी की कीमत है और जिस वक्त वो लग गए फिर वह बनया की अंदर उनके कैसा नूर नजर आंदा मस्तक दे उत्ते जेड़े चढ़ते ने उन्होंने पता है कि नूर जेड़ा बरसद मालिक वालों वो किस तरह मस्तक दे उत्ते आंदा और किवें दी कम कारां दे विच हर समय उहदी मदद करता है जी करो अब शब्द की कहंदे टिले पैन की जरूरत नहीं
तू शब्द की कमाई कर, क्योंकि सतगुरु ने दयाल होके बख्शिश कर दिता, तेन नाम देता शब्द, तेन दस दिता तेरे अंदर इतने मस्तक दे विच है, दरवाजा भी दस दिता भी इस तरह सज्जे कान दे विच दी, ध्यान जो इतने लगाएगा इतने हर वेले सलेशियल म्यूजिक हो रहा, उत्थे कंटे शंख दियां तुनिया ने, उत्थे बदल मृदंग भी है, उत्थे मुरली बंसरी भी बजदी है, उत्थे बीन भी बजदी, जाके सुन ला अंदर तेरा अपने आप मन उत्थे लग जाएगा, तेरा बाहर आउण नूं जी नहीं करना। हुण तां तूं बाहर तुरिया फिरदा ना इवें टैलीविजन दे रौले रप्पे च, वक्त जाया कर रहे, कदे कन्न बंद करके बैठ के वेख तां सही तेरे अंदर की कुछ हो रहा जी। जगत में जिन मिली न पूंजी शब्द की, फरमाउंदे ने क्यों इत्थे लैण की आए ने, क्यों आए इस जगत में जिन मिले न पूंजी शब्द की, जिन शब्द मिलिया नहीं उन्होंने संसार की करना, कुत्ते बिल्लिया वाली जिंदगी बसर करके चले गए। पंचम बादशाह फरमाउंदे ने गुरमंत्र हीनस जो प्राणी तिरक जन्म पृष्ठ ने, कुकरे सुकरे गर्द वे काके तुल सर्प ने, कुत्तिया वाली वर्गी जिंदगी, गद्या वर्ग जिंदगी, सर्पां वर्गी जिंदगी है उन्होंने जिन्होंने गुरमंत्र मिले नहीं, कहते उन्होंने कोई जीवन नहीं है, पशु समान जीवन बता के चलेगा जिन्होंने पूंजी शब्द मिली नहीं जी। हाँ जी, हर में हर दम हो रही के सुने न बाणी शब्द की। स्वामी जी डिक्लेयर कर दे, होका दे के कह रहे ने, जिन्हें रविदास जी ने कहा कोई बन जा रहे नाम को मेरा टांडा लद्या जाए रे, टांडा गड्ढे नूं कहंदे गुजरात दे रहण वाले, तेरा गड्ढा नाम दा भरिया होया लद्या जांदा, किसे ने मेरे नाम दा बिजनेस मेरे नाल करना आ जाओ। हुण इत्थे की कह रहे ने, फिर लाना कलिए ओन काट में हर दम हो रही नहीं, तेरे मस्तक दे अंदर हर समय धुन हो रही है, उस धुन की आवाज में तू सुनदा क्यों नहीं, तू क्यों पागल होके लम्मा पै गया, तेनू की इस काल देश आ गया, ऐसा भूत चढ़ गया कि तेनू वो गल चंगी नहीं लगती। संत कूक के चले गए इथों, मगर गिनती दे बंदे गए नाल उन्हां दे, बाकी आदे ऐ पकाई मार के चले गए, कहते तू क्यों नहीं शब्द सुनता, दूर जाना नहीं, बिस्तरा रख के अंदर सराने से सिर रख ला, टोक कंध ना ला ला, इतने मस्तक दे विच आ के ते तुहानू सुन तो सही, देख की आनंद आउंदा तेनू बैठे बैठे आउंदा है, फिर भी नहीं तू सुन सकदा, बाहरों कोई मार्केट दे विच सब्जी भी इन्नी सस्ती नहीं मिलती जिन्नी वो दे गए, मुफ्ती दे गए, पैसा कोई लग्या नहीं, कहिंदे तेरे हर समय घट दे अंदर हो रही है इत्थे, ते तू लग्या नहीं जांदा उहदे नाल, तू देखता सही अंदर जाके भी तेरे अंदर की रंग भागों ने लाए हुए ने, मगर अफसोस है कम से जू तुर नहीं जी। बैठ ध्यान तार तो मिले निशानी कहने ने कि तू कला बैठ के मालक का ध्यान धर, तेनू निशानी शब्द उत्थे मिल जानी है। बोलिया मन मंजूला मुंजदा किते गोशे बह के कुट, ये अर्श खजाना नूर दा किते संभल संभल के लुट, तू कला होके वेख तो सही जरा, ये ला के अपना ध्यान वेख, तेन मस्ती चढ़ी तेरा सारा कमरा उस तुन ना भर जाना, तू आ कहेंगे कमाल है ते म्यूजिक खबरे अजीब किस्म दे, इतने खबरे सेंट छिड़के गए, आ खुशबू कितों आ रही है, तू अंदर चल तो सही,
जरा देख तो सही, कदे संतान दे वचन ते विश्वास करके जरा अंदर आ देख तेरे किन्ने लविंडर अंदर छिड़के। मुफ्त ही है ते पैसे भी लाना, फिर भी खुशबू नहीं आउंदी, उत्थों तक जाने खत्म हो जाती। वो तो हर समय लपटा आ रही, अंदर नूं खिच मार रही ने। जी ताजे आलसन दरा की फरमाते ने कि आलस निंदा निंद्रा और काल करनी जड़ी कि छेती मैं बैठिया जी हुणे क्यों नहीं सचखंड दी धुन आई। काली मत करो, ध्यान छड़ दियो, आलस नूं छड़ दियो, नींद नूं भी छड़ दियो। नींद आई मस्त हो गए, पता ही नहीं रोटी पकानी भी कि नहीं, कौन बाबा आके पकाओ। अपनी ड्यूटी कर दे फिर करना सब काम। फिर कहिंदा देख वो तेन निशानी शब्द की मिलती कि नहीं, जरा दो दिन करके तो देख प्रैक्टिकली। फिर तो गुलामा भी दे दी, गुलामा तो ठा वजद कि साडा फलाना काम नहीं किया, बाबे को लैन जाना। मगर आप कदे कुछ किया है, कुछ सोच के तो देखो, कदे कदे भी नहीं सोचते। कितनी दयालता ना स्वामी जी महाराज सानू समझा बुझा के लैके जा रहे ने कि तू जरा ध्यान इतने धर, जरा नींद नू एक बारी परे कर ख थोड़ा जा, आलस छड़ दे, छड़ के उठ के फिर तुर लै, नींद आउंदी उठ के फिर तुर के फिर बह जा। मगर कौन बैठे, एक बारी सौ गए फिर भावे घोड़े नंगा दे तो तुम्हें फिर नहीं उठता है। जी पाच शब्द काट में बजे निर्णा करके कह दे दस दिन तेन पांच शब्द कट दे अंदर तेरे वज रहे। ये निर्णा कर ले शब्द की, शब्द का निर्णा है तेरे अंदर पांच आवाजा हर समय उत्पन्न हो रही ने। हुण जेड़े एक या अक्षर दो अक्षर लैके आ जाते ने उन्होंने हुण की कहां मैं भी वो किस संसार दे लिव इन फूल्स पैराडाइज। वो समझते नहीं कि खोरे इतनी ठगी परमार्थ विच चल रही जी का कोई बयान नहीं हो सकता। स्वामी जी साहब कह रहे नहीं तू जरा ध्यान तर, उस शब्द के अंदर पांच किस्म दियां धुनां तेरे अंदर आ रही हैं, तू जरा उन्हें फड़ दे अपने घर में चल। जी गुरु ज्ञान बता शब्द का भाई। उन्होंने दया कृपा करके पहले तेन सत्संग सुनाया, फिर उस शब्द का भेद तेन दिता कि वो अंदर इस तरह पांच मकाम ने, पांच शब्द ने उत्ते उन्होंने जुड़ना। तू इस करके तू हो जा ध्यानी शब्द की, उस शब्द की ध्यान करके तू उस विच अपनी सुरत में प्रवेश करो और मंजिल दर मंजिल अपनी मंजिल पर पहुंच जाओ। सचखंड सचखंड बसे निंकार, उस जगह पे चले जाना जिसे निरंकार का देश है। जी मैं शब्द शब्द बहुता नहीं कहते। मैं बहुत करके शब्द शब्द की गल की है, कोई माने ना गुरु शब्द की, शब्द की कोई गल मानता ही नहीं, कोई अमल ही नहीं करता, कोई मेरे वजन की परवाह नहीं करता। जी ज्ञान में आकार खो दिया कहते जन्म व्यर्थ ही चला गया, जो चढ़े ना काटी शब्द की। काटी केड़ी है मस्तक तो ऊपर चढ़ना,
सुरिया पद के अंदर प्रवेश करके सचखंड तक अपनी सुरत नू लै जाना। जेडे उस घाटी ते चढ़े नहीं उन्हें अपनी समा श्वासां दी पूंजी बर्बाद कर ली जी। स्वामी महाराज कहते मैं कह करके हूं चुप कर गया क्योंकि जी शब्द की धार आ जब तक तू मनता नहीं तेरे अंदर चलनी नहीं। शब्द की धार आ रही है, शब्द की धार आ रही जबरदस्त अपनी सुरत में लगाना और असि जुड़ जाना जी। सेमलाल जी कितना का टाइम सानू देना है? छोटा ले लो जी, लंबा शब्द काया कंचन शब्द विचार थे हर वस जिसदा अंत न पारा वारा। गुरु महाराज की बाणी लै रहे हो, स्वामी जी की बाणी सी। साधु संत महात्मा का विचार एक ही होंगे, कहने इस काया नू कंचन वर्ग जेड़ी है सवारिया कि नहीं, शब्द ने सवारिया उहदे अंदर ही मालक। जिस तरह क्या मैं बेनती की थी ह्यूमन बॉडी इज द टेंपल ऑफ लिविंग गॉड, ये शब्द नहीं सवार के रखा है वरना एक तत्व दूजे तत्व का दुश्मन है। ये पृथ्वी जलवायु अग्नि आकाश के नाल शरीर बने, मिट्टी नू पानी च रख दो मिट्टी खुल जाएगी, पानी नू अग दे जे पानी थोड़ा अग ते पा दो स्टीम बन के उड़ जाएगा। अगर ज्यादा पानी है वो अंदर अग न सुटोगे पानी अग न बुझा देगा, हवा जी अग न भी खत्म कर दी बुझा दी है, तेज भी कर दी बुझा भी दी है। अग्नि तो बाद हवा है, हवा आकाश जाके गैब हो जाती उपर जाके इन्नी लाइट हवा पता ही नहीं लगता भी है कि नहीं। एक तत्व दूसरे को खांदा कहते क्यों खांदा क्यों नहीं, काया कंचन कोट सवारा जो शब्द के अंदर रख दिता उस वक्त एक तत्व दूजे नूं नुकसान नहीं कर सकता। सब उस शब्द तो डरते हुए अपनी वर्किंग करते मगर नुकसान किसी नूं करते नहीं। इस करके क्या है कि उस शब्द ने ही तेरी कंचन वर्गी काया नूं संवार के रखा, वरना एक मिनट दे विच मुश्क आ जाएगा ते गल जाणगे सब एक दूजे नूं खा जाणगे। पंज दुश्मन इकट्ठे करके शब्द ने इस देह दे अंदर रखे हुए वरना रह नहीं सकते। ये गुरु महाराज फरमा रहे इस प्रति कितनी उच्ची गल दसी हुई इको कड़ी दे अंदर। अगर एक कड़ी जीवन च धारण हो जाए तो जिंदगी च परिवर्तन आ जाएगा, जिंदगी च कोई वजह नहीं भी परिवर्तन ना आवे जी। फरमाते नहीं कि दिन रात आन दिन दिन रात उस सच्ची बाणी के नाल अपनी सुरत न लगाओ। उस बाणी के नाल जो साड़ी सुरत लगेगी तो साडा सब कुछ सवार देगी। पंजां दुश्मनों के अंदर आत्मा जिहड़ी साड़ी बैठी हुई है उसनू जदों असीं शब्द के नाल लगावांगे उस वक्त कहिंदे इहदा सब कुछ समर जाएगा, ये अपने घर चला जाएगा जी। हर चेते तेन बलहा
की तूर लाई मुख मस्तक सत्संगत बैगन गायदा। जिन्हों ने सुरत शब्द नाल लगी हुई है कहते उन्हों की तोड़ जड़ी है वह तो मस्तक न लाने वाली है, उन्हों की संगत बैठ के उस मालिक की उपासना का सत्संग आने प्रेरणा गुरु महाराज ने की, बह के ही उस मालिक के गुण गायन हो सकते हैं जी। हर के गुण गावा जे हर प्रभ पावा अंतर हर नाम शब्द सुहावा। कोई शख्स अंदर मालक की उपमा कर सकते उन्होंने जुड़ सकते जिन्हों मालिक आजाद दे चंगा लगे जेड़ा उन्होंने नाल जो शब्द लगेंगे फिर अस सोने लगेंगे अंदर वरना असि सोने नहीं लग सकते। शब्द नाल ही कहते सुहावन फिर सुंदर लगता है सुहाव सुहावन बन जाता है जी। शब्द है कहते चौं नुकर चौं कुंडे चौं कूटा सुन भी है और जरिए ही सदर बनता है। जब तक वो नाल नहीं लगेगा उन्हें चर ए शरीर ही मृतक जिस तरह लोत है ऐसी लोत बनी पी रहेगी जी। जन साचे अंतर पाले गुर के शब्द हर नदर निहाले। उही जन सच्चा है जेड़ा सुरत नू लगाउंदा और सतगुरु का वचन मान के अपने सुरत दी वचन की पालना करता है अंदर जुड़ता है जी। ज्ञान अंजन पाए गुर सबदी नदरी नदर मिलाए। कितना टाइम लग्या? कुछ टाइम नहीं लग्या। कहते ज्ञान अंजन जड़ा है सतगुरु ने जब यदि अखां च पाया तो नगरी नगर मिलावने कि चिर लगे जो अख ना अख मिली उन्हें ज्ञान प्रगट कर दिता है अंदर चिर नहीं लग्या बिल्कुल भी। इस करके सत्संग च आके अखां खोल के बैठो क्योंकि कोई पता नहीं जो देर नहीं निगाह पई उस वक्त सुरत ने अंदर संता अदा कर देना देर नहीं लगेगी। बड़े पा जी बड़े पा गए शरीर पाया मानस जन्म शब्द चेतला। वे भाग होंगे उस वक्त मनुष्य देह मिली फिर मनुष्य देह के अंदर शब्द न चित ला दिता जो होर वे भाग के बनते नहीं जी। दिन शब्द सब अंधेरा गुरमुख किसे बुझाए। शब्द के कहने अंदर अंधेरा है किसी गुरमुख ने शब्द की पछाण जब होंगे वो समता करके अपने घर चला जाता जी। एक आए जने
लाग दूजे पाए। दूसरे पासे कंपैरिजन करते नहीं काए इस दुनिया दे विच अपने ख्याल नूं लगा के मन दुख बन गया और जन्म गवा के चला गया। दूजे पाए लग गया क्योंकि दुई का रोग लग गया और होंबे का रोग ही तुरे आ रहा है, उन्हें खड़ा छड़िया नहीं सकता जी। ए वेला फेरे हाथ माया पग खिसे पछताए मनुष्य जन्म मिलया है। ये वेला जो मनुष्य जन्म चलिया गया, श्वास खत्म हो गए, नीचे का उतार हो गया, कहते जो पैर खिसक गया फिर पश्चातापा होएगा, मुड़के उठे आके टिकना नहीं। लख 84 जून सभाई मानक को प्रभ दी वड्याई, इस पौड़ी ते जो नर चुके आए जाए दुख पाइंदा। गल वही सब कही जाते हैं जी। गौर के शब्द पवित्र शरीरा इस विच वस सच गुणी गहीरा। शरीर कदों पवित्र है जो शब्द ना लगे, कहने भी अंदर शब्द के जरिए गुणी गहीर जिहड़ा अंदर वसदा वो इन मिलाप होएगा, वो मिलेगा अंदर। शब्द ना पवित्र तो आने वरना आ नहीं सकती, मन मैला ही हुंदा तुरिया जावां जी। सच सच वेखे सब थाई सच सुन मन वसाए। इन्हू सब कुछ फिर सच का पता लगता है, फिर सच अपने मन दे विच बस जाएगा तो सच का रूप बन जाएगा जब शब्द न लगेगा, वरना सच की अवस्था ही नहीं। उन्हू सच करके आज सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच उदो बनेगा, उदो सच का रूप बनेगा जो ये नाल लगेगा, पवित्र होएगा यदा मन, उदो सच समा जाएगा फिर जी। मैं गणत पुर शब्द निवारे हर जीव हृदय रख तारे। गिनतियां मिनतियां नाल असी कह भी असी चंगे कर्म बड़े किते, होमे का रोग जाना नहीं। कद जाएगा जब हम में चली जाएगी उस वक्त फिर अपने आप ही पवित्र अंदर आने शुरू होगी जी। गुर के शब्द सदा सलाहे मिल साचे सुख पाए। ये नहीं करता पानी छड़न नू, मगर समा जात नहीं रहा छोटा सा। गौड़ी महला पंजमा मां दुख पंजन तेरा नाम जी दुख पंजन तेरा नाम आठ पहर राधी सतगुर ज्ञान जी।
बसाओ जम कंकर नेड़ना आवाई रसना हर गुण गाओ हे वासुरत ना जानिया ना जापे आराद ओते ओत तेरी जग जीवना मेरे ठाकुर अगम अगाद पै कृपाल भुसाइया संताप तीवान लगई सत गर रखे आप गुर नारायण गुर गुर सच्चा सिर जन हार गुर तोटे सब कुछ पाया जन नानक सदमल हार ऊपर ले लो दुख पंजन तेरा नाम जी दुख पंजन तेरा नाम दुख पंजन तेरा नाम जी दुख पंजन तेरा नाम बेनती करूं बेनती दो कर जानी Satsang with Mooji
अज मालिक दे जन्मदिन का शुभ अवसर है। सद कसरा वालिया अज कदरा पूर सैयद कसरा वालिया अज कर दे कसरा पूरिया अपने चरणा ते लाल रहना जावन दुनिया अपने चरणा ते लाल रहना जावन दूरिया सैयद कसरा वालिया इस मुबारक दिन ते खाली जाम पर दे साकिया इस मुबारक दिन ते खाली जाम पर दे साकिया जाम पर के पिला दे तन की मजबूरिया जाम पर के पिला दे तन की मजबूरिया सैयद कसरा वालिया आज कर दे कसरा पूरिया अपने चरणा पे लाल मैं भिखारी तेरे दर दा खैर पा दे प्यार दी मैं भिखारी तेरे दर दा खैर पा दे प्यार दी कर दे रहमत पर दे चोली होने आसा पूरिया कर दे रहमत पर दे चोली होने आसा पूरिया सैयद कसरा वालिया आज कर दे कसरा पूरिया अपने चरणा ते लाल वास्ता सावन दा तेनु वास्ता कृपाल दा वास्ता सावन दा तेनु वास्ता कृपाल दा दिल दे वेड़े आ जा साडे वंड जा कस्तूरिया दिल दे वेड़े आ जा साडे वंड जा कस्तूरिया सैयद कसरा वालिया आज कर दे कसरा पूरिया अपने चरणा ते लाल चंद तक दे फासले तय कर ले इंसान ने गुरु प्यारी साध संगत जी इस शेर वल तवजो देना
गुस्ताखी है साहब सच्चे पातशाह के चरण च बोलन दी, लेकिन कहने मूह आई गल ना रही है। साहब सच्चे पातशाह मैनु खिमा बख्शन कि जदों तक साडे मन दे विच ए है कि असी होर है ते ए कोई होर है, उन्नी देर तक साहब सच्चे पातशाह ने हुणे फरमाया कि गल नहीं बननी। असी चन्न दे फासले तां तय कर ले, लेकिन एक दूजे दे दिलां दे फासले ओ बड़े वधाई तुरे जाने हैं। ते की अर्ज कीता है, चंद तक दे फासले तय कर ले इंसान ने, तेरे एक पैगाम ने ही सब मिटाइया दूरियां, तेरे एक पैगाम ने ही सब मिटाइया दूरियां। सैयद कसरां वालिया अज कर दे कसरां पूरियां, अपने चरना ते लाल ते दूरियां मिटाउण वाला किहड़ा पैगाम है। तेरे पैमाने च वी है मेरे पैमाने जही, तेरे पैमाने च वी है मेरे पैमाने जही, इको साकी ने पिलाई फिर का तो दूइयां, इको साकी ने पिलाई फिर का तो दूइयां। सैयद कसरां वालिया अज कर दे कसरां पूरियां, अपने चरणा ते लाल चढ़ बनेरे आ गया सूरज तेरे दीदार नू, चढ़ बनेरे आ गया सूरज तेरे दीदार नू, आएगी वारी कदों अज चंद लैंदा लूरियां, आएगी वारी कदों अज चंद लैंदा लूरियां। सैयद कसरां वालिया अज कर दे कसरां पूरियां, अपने चरणा ते लाल इस तेरे दरबार चो एक दात रोही मंगदा, इस तेरे दरबार चो एक दात रोही मंगदा, ता कयामत तक मैथों तू न पाई दूरियां, ता कयामत तक मैथों तू न पाई दूरियां। सैयद कसरां वालिया अज कर दे कसरां पूरियां, अपने चरणा ते लाल रह न जा बंदूरियां। सैयद कसरां वालिया। गुरु प्यारे साहिब संगत जी, एक दो लाइना दे एक शब्द है, जे हुक्म होवे तां ओह भी साहब जी हुक्म। उस तो बाद मेरे कृष्णा भैन जी अपनी वारी उड़ीकते है, संगत उतावली होगी उन्हां दे प्यारे शब्द सुनने वास्ते। सो शब्द अर्ज है कि यह मुबारक दिवस है, इस दे उपर साडे पापी जीवन उतारन वास्ते आया है, लेकिन थोड़े जे पर्दे जे करी फिरदा विचाले पता नहीं की गल है, पता नहीं साडी कहा तो साडी कमी। ते अर्ज कीता है, गली ना पर चा वे सजना, गली ना पर चा ओ कुछ ते गंड हिला वे सजना, कुछ ते गंड हिला शेरो शेरी खूब करो मैं अगे पिछे खूब पजाऊना, शेरो शेरी खूब करो मैं अगे पिछे खूब पजाऊना, असी फेर ना थकन वाले चाहे लख पजावे सजना, असी फेर ना थकन वाले। बाबा सावन सिंह जी महाराज नू किसे ने सवाल किया कि सच्चे पातशाह तुहाडे कोले ना जीवन नू की मिलदा है, ना धुप वेंदे ना छावे में है। कहिंदे मेरे शरीर दे अंदर बाबा जैमल सिंह दी झलक मिलदी है, इन्हां नू पता नहीं की हो जांदा। सो अर्ज कीता है, शेरो शेरी खूब करो मैं अगे पिछे खूब पजाऊ मैं, असी फेर ना थकन वाले चाहे लख पजावे सजना,
गलीना परचा वे सजना कुछ ते गंद हिला मिठे लंगर खूब छकावे सोडे पानी खूब पियावे मिठे लंगर खूब छकावे सोडे पानी खूब छकावे रूम जड़ी मस्त बनावे लाइना ओ लुकावे सजना एक कुट जरा पिलावे सजना सानू मस्त बनावे सजना गलीना परचा वे सजना कुछ ते गंड हिला और आखिरी लाइन है पावे रहमत पा दे सजना गूठा पावा विखा दे सजना के चीज तेरे कोले है दाता तू है पावे रहमत पा दे सजना गूठा पावा विखा दे सजना असी भिखारी तेरे दर ते उदितिया चोल फलावे सजना असी भिखारी तेरे दर ते दिती चोल फैलावे सजना गलीना परचा वे सजना गलीना परचा कुछ ते गंड हिलावे सजना कुछ ते गंड हिला राधा सुन अते गुरु तन अवतार तेरा तन तन मेरे साथ गुरु तन अवतार तेरा पार लंगा दे सतगुरु बेड़ा मजदार मेरा पार लंगा दे सतगुरु बेड़ा मजदार मेरा तन तन मेरे साथ गुरु तन अवतार तेरा तन तन मेरे साथ गुरु तन अवतार तेरा तन तन मेरे साथ गुरु पैसा ना मेरे पल्ले पेश ना कोई चले पैसा ना मेरे पल्ले पेश ना कोई चले दो चार बेरा नाल करा मैं उदार तेरा दो चार बेरा नाल करा मैं उदार तेरा तन तन मेरे साथ गुरु तन अवतार तेरा तन तन मेरे साथ गुरु तन अवतार तेरा तन लंगा दो सतगुरु बेड़ा मजदार मेरा पार लंगा दो सतगुरु बेड़ा मजदार मेरा वस्त्र ना मेरे स्वामी समझो तुम्हें अंतर्यामी वस्त्र ना मेरे स्वामी मेरे साथ गुरु तन अवतार तेरा पार लंगा दो सतगुरु बेड़ा मजदार मेरा पार लंगा दो सतगुरु बेड़ा मजदार मेरा मैल ना मेरे भगवन वारा मैं अपना तन मन मैल ना मेरे भगवन वारा मैं अपना तन मन मन मंदर दे अंदर करा मैं निवास तेरा मन मंदर दे अंदर
करा मैं निवास तेरा, तन तन मेरे साथ गुरु, ताने अवतार तेरा, तन तन मेरे साथ गुरु, ताने अवतार तेरा, पार लंगा दो सतगुरु बेड़ा मजदार मेरा, पार लंगा दो सतगुरु बेड़ा मजदार मेरा, पिलनी मैं जात दी हां, भूखी दे दात दी हां, पिलनी मैं जात दी हां, भूखी मैं दात दी हां, दो चार बे पिलनी मैं जात दी हां, सुखी मैं दात दी हां, मिलनी मैं जात दी हां, सुखी मैं दात दी हां, मुक्ति दा दान दे के करो बेड़ा पार मेरा, मुक्ति दा दान दे के करो बेड़ा पार मेरा, तन तन मेरे साथ गुरु, ताने अवतार तेरा, तन तन मेरे साथ गुरु, ताने अवतार तेरा, पार नंगा दो सतगुरु बेड़ा मजदार मेरा, पार लंगा दो सतगुरु बेड़ा मजदार मेरा, तन तन मेरे साथ गुरु, पिलनी तू क्यों कबरावे, मंगिया मुरादा पावे, पिलनी तू क्यों कबरावे, मंगिया मुरादा पावे, मुक्ति दा दान दे के करा बेड़ा पार तेरा, मुक्ति दा दान दे के करा बेड़ा पार तेरा, तन तन मेरे साथ गुरु, ताने अवतार तेरा, तन तन मेरे साथ गुरु, ताने अवतार तेरा, तन तन मेरे साथ गुरु, रा